श्रीनगर में भी बहुत सारी गर्मी होने लग गई है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तस्वीरों में पहाड़ में। बहुत दिनों के बाद श्रीनगर गढ़वाल में भी धीरे धीरे गर्मी शुरू होने लग गई है। और आजकल जो सबसे बड़ी बात है कि सभी लोगों की आजकल जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनकी छुट्टियां पड़ी हुई हैं, तो श्रीनगर गढ़वाल में गढ़वाल के सभी जगहों के मुकाबले सबसे ज़्यादा गर्म होता है। तो श्रीनगर गढ़वाल की अगर मैं तुलना की जाए तो श्रीनगर गढ़वाल में दिल्ली के मुकाबले लगभग टेम्परेचर रहता है। और अगले अगर मैं कुछ सालों के मानक देखे जाए तो इस बार श्रीनगर गढ़वाल में थोड़ा कम गर्म है, क्योंकि जब से श्रीनगर गढ़वाल में डैम बना है, जो NTPC का डैम है वो बना है, तब से श्रीनगर गढ़वाल में थोड़ा टेम्परेचर कम रहता है। वैसे भी इस बार की जो गर्मी है उस बार की ज़्यादा गर्मी पड़ी नहीं है, क्योंकि इस बार लगातार मई जून में लगातार बारिश होती रहती है और लगातार मौसम खराब होता रहता है। अभी भी आप देख सकते हैं धीरे धीरे मौसम चेंज होने लग गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे जियालगढ़ में बहुत सारे लोग आ रखे हैं, यहाँ पे स्विमिंग पूल बना रखा है और स्विमिंग पूल में जो पानी आता है वो पानी कुछ तो अलकनंदा नदी से लाया गया है और कुछ जो प्राकृतिक जो नेचुरल स्रोत होते हैं उनसे पानी आता रहता है। तो पहाड़ों में अगर मैं आप श्रीनगर गढ़वाल के इर्द गिर्द यानी कि नज़दीक रहते हैं तो आप श्रीनगर गढ़वाल में आके जियालगढ़ में आ सकते हैं और यहाँ पे अच्छी सी स्विमिंग का आनंद ले सकते हैं। कर रहे हैं स्विमिंग, और पहले स्विमिंग नहीं आती थी करनी, लेकिन अब धीरे धीरे लाइफ जैकेट के साथ स्विमिंग करनी आ रही है। और वहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे नहीं दिखा।
ऐसी छुट्टा लियो पर ना पाए।